तुम? हाँ? तुम कैसे आए? बालकनी से। इतनी रात कहे? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा वो गिनती का मंत्र काम कर रहा है। आधी रात को ये बताने आए हो कि मंत्र काम करने लगा है? अगर तुम्हें कोई देख लेता तो क्या होता? चोर समझ कर पकड़ लेता, दो चार हाथ मारता, चार पांच गालियां बकता, लेकिन मैं 1 से 10 तक गिनकर अपने आप को कंट्रोल कर लेता, चुपचाप मार खा लेता। देखा मैं तुम्हारे प्यार में कितना बदल गया हूँ। तो ट्वीट ना। नाउ गिव मी अ किस प्लीज। नो प्लीज। व्हाई नॉट? टिल आई एम मिस प्लीज। कट्टी 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 मैगी। मैंने आपका हुक्म नहीं तोड़ा मैडम। आपने कहा था दरवाजे पे पैर मत रखना, मैंने नहीं रखा। मैं बालकनी से आया हूं क्योंकि मुझे आपको एक बात बताना बहुत जरूरी था कि मैं और आपकी बेटी में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे बेटा, अगर तुम मुझे सुबह ये सब बता देती तो ना तो ये हंगामा होता और ना मैं इस बेचारे को डांट कर घर से बाहर निकालती। I'm sorry my son, मुझे माफ कर दो। तुम लोग बैठो, मैं पृथ्वी के लिए कॉफी बना के लाती। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं बेटा, सुबह मैंने तुमको कुछ ऑफर नहीं किया, अब मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। बैठो बैठो। मम्मी थैंक यू सो मच। माय बेबी। मैगी, ये क्या हो रहा है? मैं सो रहा हूं, ये सपना देख रहा हूं। जरा चुटी तो काटना। जागा हूं। लेकिन ये कहानी में ट्विस्ट कैसे आ गई? मिसेस पिंटो तो एकदम बदल गई। ये उसका कमाल है जिसे तुम नहीं मानते, गॉड का। मैंने आज शाम को चर्च जाकर प्रे किया था। अरे वाह, व्हाट अ पावरफुल प्रेयर। मिसेस पिंटो तो बिल्कुल ही बदल गई। और ऐसे ही रहे। बैठो मम्मी। थैंक यू। अरे बैठो बैठो बैठो। हम दोनों एक जैसे हैं, तुम भी इमोशनल हो, मैं भी इमोशनल हूँ। सुबह जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है पृथ्वी, लेकिन एक बात की खुशी है कि तुम मेरी मैगी को सच्चा प्यार करते हो, और प्यार तो गॉड गिफ्ट है ना मैगी? हाँ मम्मी, थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी चाइल्ड। कोई आया है? अरे बैठो बैठो। जो भी आया है उसे मैंने ही बुलाया है, मैंने ही तो नीचे जाके फोन किया था। डैडी को बुलाया है क्या? मगर डैडी तो घर में ही है और उन्हें सब कुछ मालूम है। मुझे भी सब कुछ मालूम है। मैगी, लगता है मम्मी ने तुम्हारे फादर को नहीं, चर्च के फादर को बुलाया है हमारी शादी कराने के लिए। नहीं बेटा नहीं, मैंने पुलिस को बुलाया है। आइए इंस्पेक्टर, यही वो गुंडा है जो बालकनी से कमरे में घुसकर मेरी बेटी को रेप करना चाहता है। ये झूठ बोलती है इंस्पेक्टर साहब। मैं बालकनी से जरूर आया था, मगर मैं मैगी से प्यार करता हूँ और मैगी मुझसे प्यार करती है। मैं भला इसकी सब कैसे लूट सकता? शट अप। आधी रात को किसी के घर के अंदर बालकनी के रास्ते आने का जुर्म जानते हो? लेकिन सर मैं मैगी से प्यार करता हूँ। प्यार किसी के घर में घुसने का लाइसेंस नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, मम्मी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मीठी मीठी बातें करके पृथ्वी को धोखा दिया और अब पुलिस आ रहा है। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे। सर, सर उसे छोड़ दीजिए, प्लीज सर उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। डैडी कुछ कीजिए ना। मैगी चलो। Thank you.
सेफ वाली फाइल दो जल्दी। 202 नंबर को बाहर निकाल दो साहब। अब भी नहीं थे क्या ये गरीब गायक आपके दरबार में आ सकता है? सौराठ साहब, बाप रे बाप, जिल्ले उस्ताद जी, हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? अरे तुम तो ढसल गए, यूं ही फिसल गए। कैसे हो भाई? एक बात बताओ, सितार पे चलने वाली उंगलियां डंडे पे कैसे चल रही हैं? प्रयास व्यास हो रहा है कि नहीं? उस्ताद जी, जो आपने मुझे सिखाया वही गाता रहता हूँ। अरे चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। जिस काम की आते वो तो कीजिए। भाई दिवे, उस्ताद जी आपका कोई काम, कोई सेवा? वो ऐसा है कि मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया था। हुकुम। एक बात बताइए कि किसी को जमानत दे के जेल से बाहर निकालना आसान है या कोई जुर्म करके जेल के अंदर बंद हो जाना ज्यादा आसान? ये आप क्या पूछ रहे हैं उस्ताद जी? तुमने मेरे शिष्य पृथ्वी को अंदर बंद कर रखा है, या तो उसे बाहर निकालो या मुझे भी अंदर बंद कर दो। आपको क्यों? मैं अंदर फिट नहीं होगा क्या? जगह छोटी, आदमी बड़ा है क्या? असल में बात यह है उस्ताद जी कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा बदमाश है, रेप का चार्ज है उस पर। तो फिर एक काम कर दो, एक चार्ज हम पर भी लगा दो। हम पर यह चार्ज लगा के अंदर बंद कर दो कि हम पुलिस थाने के अंदर जबरदस्ती घुसाए, आते साथ तुम्हारा फर्नीचर तोड़ फोड़ दिया, तुम्हारी मूछ उखाड़ दी। लेकिन तुम ये चार्ज हम पर नहीं लगाओगे कभी, क्योंकि तुम हमको जानते हो, तुम पृथ्वी को नहीं जानते हो, पृथ्वी को सिर्फ मैं जानता हूं, मैं। आपका मतलब वो औरत झूठ बोल रही थी? 100% झूठ बोल रही है, और वो झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि वो पृथ्वी से नफरत करती है। इसलिए नफरत करती है कि पृथ्वी उसकी बेटी से मोहब्बत करता है। अब जैसे उस औरत का पृथ्वी के खिलाफ कंप्लेन लिखवाना लाजमी था, वैसे ही एक आशिक का अपनी माशूका को मिलने के लिए दीवार पार के जाना लाजमी था। इसमें जुर्म क्या है बताइए? गॉड, अच्छा आपने मुझे बतलाया, वरना मुझे दो सच्चे प्यार करने वालों का श्राप लग जाता। आप जरा चलते चलते इन कानूनी कागजात पर साइन कर दीजिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। पांडू 202, नहीं मैं खुद ही जाऊंगा, कभी अलविदा ना कहना। हम हेरा ही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए।